जैसे कि हमारा बीकॉम सेम 3 स्टैटिक्स 2022 का पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं और लास्ट वीडियो में क्वेश्चन 2 के 2 सम करके आज हम क्वेश्चन 2 का ये लास्ट सम करेंगे तो हमारा क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो हमें क्या मिला हुआ है, क्वेश्चन की मीनिंग समझे। देयर आर 100 पीपल इन अ लोकेलिटी, मतलब एक लोकेलिटी में 100 पीपल है। ठीक है, फिर क्या हो रहा है, 3 न्यूज़पेपर ए बी एंड सी आर अवेलेबल टू देम, मतलब उस लोकेलिटी में 3 न्यूज़पेपर है ए बी एंड सी। ठीक है ना, ये लोग मैं उस लोकेलिटी में 3 न्यूज़पेपर है। फिर क्या हो रहा है, 50 पीपल रीड ए, 50 पीपल ऐसे हैं जो ए न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ठीक है, एंड 40 रीड बी, 40 पीपल ऐसे हैं जो बी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, एंड 40 रीड सी, एंड 40 पीपल ऐसे हैं जो न्यूज़पेपर सी पढ़ते हैं। ठीक है, इस तरह मिला हुआ है। फिर क्या हो रहा है, 10 पीपल रीड बोथ ए एंड बी, 10 पीपल ऐसे हैं जो दोनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ए एंड बी। ओके, फिर 15 पीपल रीड बोथ बी एंड सी, 15 पीपल ऐसे हैं जो बी और सी दोनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। फिर 20 रीड बोथ ए एंड सी, एंड 20 पीपल ऐसे हैं जो ए और सी दोनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। फिर आगे 4 पीपल रीड ऑल दी 3 न्यूज़पेपर, और 4 पीपल ऐसे हैं जो सभी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तीनों ए बी एंड सी। ठीक है, ये हमें मिला हुआ है। फिर आगे क्या हो रहा है, फाइंड दी प्रोबेबिलिटी, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है दैट अ पर्सन सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम दी लोकेलिटी, मतलब उस लोकेलिटी में से हम एक पर्सन को सिलेक्ट कर रहे हैं, रीड्स वो पढ़ता है एटलीस्ट वन ऑफ दी 3 पेपर, तीनों न्यूज़पेपर जो तीनों में से कम एक तो पढ़ना चाहिए, एटलीस्ट बोल रहा है, एटलीस्ट का मतलब होता है यूनियन। तो हमें जो फाइंड करना है ना, हमें ये फाइंड करना है पी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, क्योंकि 3 न्यूज़पेपर है तो हमें एटलीस्ट का भी बताया तो ये फाइंड करना होता है। ठीक है, अभी हमें जो मिला हुआ है, देखो सबसे पहले 100 पीपल है और 3 न्यूज़पेपर अवेलेबल है, 50 ऐसे पीपल है जो ए न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो पी ऑफ ए क्या हुआ आपका, पी ऑफ ए हुआ 50 डिवाइड में 100 इस तरह। ठीक है, 50 ऐसे हैं इस पी एफ अवेलेबल और डिवाइड में टोटल आउटकम। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी होता है, तो 50 अपॉन 100। इसी तरह बी कितने जने पढ़ रहे हैं, 40, तो पी ऑफ बी क्या होगा, 40 अपॉन 100 इस तरह। फिर पी ऑफ सी कितना है, वो भी 40 है, 40 अपॉन 100, आप देख सकते हो 40 रीड सी। एंड 10 पीपल ऐसे हैं जो ए और बी दोनों पढ़ रहे हैं, मीन्स ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी है, ए इंटरसेक्शन बी हमारा 10 अपॉन 100 इस तरह। ठीक है, एंड इसके बाद 15 पीपल बी और सी दोनों पढ़ रहे हैं, मीन्स ये बी इंटरसेक्शन सी हुआ, बी इंटरसेक्शन सी 15 डिवाइड में 100। ओके, एंड इसके बाद क्या है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, आप देख सकते हो यहां पे बता रहा था ये 20 रीड बोथ ए एंड सी, मीन्स 20 अपॉन 100 ए और सी दोनों पढ़ रहे हैं। एंड 4 पीपल ऐसे हैं जो तीनों के तीनों पढ़ रहे हैं, मीन्स पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये हमें मिला हुआ है। ठीक है, वो है हमारा 4 अपॉन 100, 4 पीपल है, तो ये हमें दिया हुआ है और हमें फाइंड क्या करना है, ए यूनियन बी यूनियन सी, ये फाइंड करना है। तो उसकी फॉर्मूला क्या है, पी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, उसकी फॉर्मूला है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये हमारी फॉर्मूला, बस इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे, प्लस माइनस करेंगे, आ जाएगा आंसर। आप देख सकते हो पी ऑफ ए हमारा क्या है, 50 अपॉन 100, ठीक है 50 अपॉन 100, और पी ऑफ बी हमारा 40 अपॉन 100, फिर पी ऑफ सी हमारा 40 अपॉन 100, फिर पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारा 10 अपॉन 100, ठीक है, एंड पी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी 15 अपॉन 100, फिर ए इंटरसेक्शन सी 20 अपॉन 100, एंड लास्ट में 4 अपॉन, मीन्स ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी 4 अपॉन 100। ठीक है, और आप देख सकते हो सबके डिवाइड में 100 है, कैल्सियम निकालने की जरूरत नहीं है, एक ही बार 100 रखेंगे, यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो एक ही बार आप 100 रखेंगे नीचे, और ऊपर क्या आएगा जो भी है, 50 प्लस 40 प्लस 40, ठीक है, एंड माइनस 10 माइनस 15, इसके बाद है माइनस 20 एंड प्लस 4 इस तरह। ठीक है, तो क्या किया, सिर्फ 100 जो है वो एक ही बार रखा, और ऊपर जो भी है 50 बीच में प्लस, प्लस ही रखना है, प्लस 40 प्लस 40 माइनस 10 माइनस 15 माइनस 20 प्लस 4। ठीक है, अभी क्या करना है, इन सबका प्लस माइनस करना है, तो इन सबका प्लस माइनस करें हम, एटी नाइन अपॉन हंड्रेड। ठीक है, ये तीनों प्लस करने हैं, उसमें से तीनों माइनस करने हैं और 4 प्लस करना है, तो 89 अपॉन 100 है। ओके, अभी आप ये रखो तो भी आंसर चलेगा, 100 से डिवाइड करके रखोगे तो भी चलेगा, 0.89, ये भी आप कर सकते हो।
ओके तो यहाँ पे हमारा सम कंप्लीट हो गया और इसके साथ हमारा क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 3 करेंगे। इस वीडियो में इतना है, थैंक यू।